Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we are starting Color TV. So, आज हम लोग Color TV start कर रहे हैं. Introduction to Color TV. मैंने आप लोगों को Unit 1 का सारे videos share किए हैं. वो videos जो है वो mainly basic of television system पर है. तो television system में basically कैसे जो electron कैसे signal transmit हो रहा है और कैसे रिसीव हो रहा है, उसके सारे फंडामेंटल्स जो है उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं. तो जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली टीवी सिस्टम में कैसे सिग्नल को डील कर रहे हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों में. कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, हम लोग कैसे कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑल दिस डिस्क्रिप्शन यू विल गेट इन द प्रीवियस वीडियोस. ओके, so go through that videos and in this video in the description box of this video you will get the link. आप लोगों को जो सारे videos के links जो है वो इस video के description box में मिलेंगे, and the PDF of this video you will get in the description box. okay, so link, उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा. तो आप लोग वहाँ से आप लोग notes जो है वहाँ से download कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए, आप लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छे से होगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू कलर टीवी. हमने अभी तक मोनोक्रोम सिस्टम पढ़ा था, दैट इज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे थे. अब हम लोग को कलर टीवी देखना है, तो कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों टीवी को हम लोग को ऐसे बनाना है, सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हम लोग इन दोनों सिस्टम को एक साथ ऑब्जर्व कर सके. मीन्स अगर कलर टीवी में अगर सिग्नल हम लोग को अगर कलर सिग्नल आ रहा है तो कलर टीवी ऑब्वियसली कलर सिग्नल को जो है वो दिखाएगा, मतलब कलर पिक्चर को दिखाएगा. अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट जो है सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट को भी वो दिखा पाएगा. सिमिलरली अगर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, दैट इज मोनोक्रोम सिस्टम है, उसमें अगर कलर सिग्नल आता है तो मोनोक्रोम सिस्टम जो है वो कलर सिग्नल को तो नहीं दिखा पाएगा, बट पिक्चर को वो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में जो है वो दिखा पाएगा. सो देयर मस्ट बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कलर टीवी एंड द मोनोक्रोम सिस्टम. ओके, सो दिस कंपैटिबिलिटी इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, द कलर टीवी सिग्नल मस्ट प्रोड्यूस अ नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ऑन अ मोनोक्रोम रिसीवर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द रिसीवर सर्किटरी. ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सर्किट में कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो मॉडिफाई बिना किए हुए हम लोग कलर टीवी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर प्रोड्यूस कर सके. सिमिलरली कलर रिसीवर मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर फ्रॉम अ नॉर्मल मोनोक्रोम सिग्नल. दिस इज रेफर्ड टू एज रिवर्स कंपैटिबिलिटी. ये कंपैटिबिलिटी हमें कैसे मिलेगा, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टू अचीव दिस, दिस इज टू मेक द सिस्टम फुल्ली कंपैटिबल, द कॉम्पोजिट कलर सिग्नल मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो वो हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, नंबर वन, इट शुड ऑक्यूपाई द सेम बैंडविड्थ एज द कॉरस्पॉन्डिंग मोनोक्रोम सिग्नल. मोनोक्रोम सिग्नल में जो बैंडविड्थ यूज हो रहा था, कलर टीवी में भी वही बैंडविड्थ यूज होगा. सबसे पहला कंडीशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. Secondly, the location and the spacing of picture and sound carrier frequencies should remain the same. हमने जब चैनल बैंडविड्थ देखा था, आप लोग अगर चैनल बैंडविड्थ का वीडियो देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि पिक्चर एंड कैरियर फ्रीक्वेंसीज को स्पेसिफिक जगह पर, मतलब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर लोकेट किया गया है. तो वो लोकेशन एंड स्पेसिंग विल रिमेन सेम फॉर द कलर टेलीविजन. The color signal should have the same luminance, that is brightness information, as would a monochrome signal transmitting the same scene. तो color signal जो है उस color signal में same brightness होना चाहिए जैसे कि monochrome signal में जो कि transmit किया जा रहा है same scene के लिए. same scene को अगर हम एक scene को अगर हम color and monochrome दोनों में भेज रहे हैं तो वो सिग्नल का सेम लुमिनेंस होना चाहिए, दैट इज ब्राइटनेस विल रिमेन द सेम फॉर बोथ द कलर एंड द मोनोक्रोम सिग्नल. ओके,
कलर सिग्नल में बस यही होगा कि उसमें कलर्स ऐड हो जाएंगे एंड मोनोक्रोम में हमें ब्लैक एंड व्हाइट का शेड मिलेगा. ओके तो ये डिफरेंस रहेगा बट लुमिनेंस और ब्राइटनेस विल रिमेन द सेम. द कॉम्पोजिट कलर सिग्नल शुड कंटेन कलर इंफॉर्मेशन टूगेदर विद द एसेंशियली सिग्नल नीडेड टू अलाउ टू बी डिकोडेड. तो कलर जो कॉम्पोजिट कलर सिग्नल है उसमें कलर इंफॉर्मेशन रहेंगे, साथ में क्या रहेगा द एंसिलरी सिग्नल्स नीडेड टू अलाउ दिस टू बी डिकोडेड. इसका मतलब है कि हमारा जो कलर सिग्नल है उसमें कलर इंफॉर्मेशन रहेगा, साथ में जो हमारे प्राइमरी कलर थे, जो हमारे जो बेसिक जो हमारा सिग्नल था, जो कॉम्पोजिट सिग्नल था वो रहेगा, जैसे कि उसे डिकोड सही से किया जा सके. तो हमारा जो कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल था वो रहेगा, उसके साथ में कलर इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे, बट देयर विल रिमेन द सेम टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिट सिग्नल. ओके कलर सिग्नल बस ऐड होंगे उसमें, कैसे ऐड होंगे वो हम लोग फर्दर जो है वो देखेंगे कि कैसे कलर सिग्नल ऐड होता है या क्या क्या कलर सिग्नल है. ओके अभी हमें ये जानना है कि क्या 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 कंडीशंस रिक्वायर्ड है टू मेक कंपैटिबल विद बोथ द टेलीविजन दैट इज मोनोक्रोम एंड द कलर टीवी. ओके तो उसमें कॉम्पोजिट कलर सिग्नल के साथ में कलर इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, इसके साथ में जो प्राइमरी हमारा सिग्नल है उसके साथ में. नेक्स्ट फिफ्थ इंफॉर्मेशन इज द कलर इंफॉर्मेशन शुड बी कैरिड इन सच ए वे दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पिक्चर रिप्रोड्यूस्ड ऑन द सीन ऑफ द मोनोक्रोम रिसीवर. तो कलर इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो जब पिक्चर प्रोड्यूस करे रिप्रोड्यूस करेगा ऑन द मोनोक्रोम रिसीवर उसमें जो है पिक्चर इन्फॉर्मेशन में कोई जो है वो चेंजेस ना हो. इसी तरह से कलर इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है कि कलर से अगर मोनोक्रोम रिसीवर हमारा है और कलर सिग्नल अगर वो रिसीव कर रहा है इट विल रिप्रोड्यूस द पिक्चर ऑन द सीन. ओके इट विल रिप्रोड्यूस द पिक्चर ऑन द सीन का मतलब है हम जो है सिंपली अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अगर कलर फिल्म भी हो तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देख पाएंगे, हमारा पिक्चर इन्फॉर्मेशन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट चेंज बस कलर का होगा कि उसमें कलर इन्फॉर्मेशन हमें सही से नहीं मिलेगा, हमें ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स मिलेंगे. नंबर सिक्स द सिस्टम मस्ट एम्प्लॉय द सेम डिफ्लेक्शन फ्रिक्वेंसीज एंड द सिंक सिग्नल्स एज यूज्ड फॉर मोनोक्रोम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. तो हमने जो है जो डिफ्लेक्शन फ्रिक्वेंसीज जो है वो यूज़ किए हैं एंड सिंक फ्रिक्वेंसीज जो हम लोग मोनोक्रोम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन में यूज़ किए हैं सेम फ्रिक्वेंसीज जो है वो यहाँ भी यूज़ होगा. तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, हम लोग जिस तरह से जो है सिग्नल हम लोग पहले भी भेजे हैं दैट इज़ हम लोग हमने देखा था इंटरलेस स्कैनिंग के स्कैनिंग करके हम लोग जो है सिग्नल को भेज रहे थे डिवाइडिंग द होल फ्रेम इनटू टू फ्रेम्स ऑड एंड इवन करके हम लोग भेज रहे थे और हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कितना था 15625 हर्ट्ज का था एंड वर्टिकल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. तो ये हमारा जो सारी चीज़ें हैं वो सब सेम रहेंगे सिस्टम में तभी हम लोग कंपैटिबल बना सकेंगे. तो इन ऑर्डर टू मीट द अबव रिक्वायरमेंट्स It becomes necessary to encode the color information of the scene in such a way that it can be transmitted within the same channel bandwidth of 7 MHz. हमने देखा था कि channel bandwidth हमारा कितना होता है 7 MHz. तो 7 MHz में ही जो है वो color information भी जो है वो हमारे scene में वो हमारा add होना चाहिए without disturbing the brightness of the signal. Similarly, at the receiving end, a decoder must be used to recover the color signal back to its original form for feeding it to the tricolor picture tube. तो हमारा जो है ये बेसिक जो हमारा रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है चैनल बैंडविड्थ. तो हमारा चैनल बैंडविड्थ सेम रहना चाहिए. चैनल बैंडविड्थ हमारा कितना है, हमारा चैनल बैंडविड्थ 7 MHz है, याद रखिएगा ये 7 MHz है विदाउट डिस्टर्बिंग जो द ब्राइटनेस ऑफ द सिग्नल. तो हमने पहले ही कहा था कि ब्राइटनेस जो है वो सेम रहेगा वेदर इट इज कलर सिग्नल और इट इज़ अ ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल, हमारा ब्राइटनेस लेवल जो है वो सेम रहेगा. तो ब्राइटनेस लेवल को सेम रखते हुए चैनल बैंडविड्थ को सेम रखते हुए जो हम लोग सिग्नल भेजेंगे वही जो है हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है. ओके तो तभी तब ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं हम लोग इस पॉइंट्स को अगर इंक्लूड किया जाएगा तभी हमारा दोनों सिस्टम दैट इज कलर सिस्टम एंड द मोनोक्रोम सिस्टम
ये दोनों कंपैटिबल होंगे विथ ईच अदर, दोनों एक एक दूसरे के साथ में जो है वो काम कर सकेंगे. मतलब हम लोग कलर टीवी में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट भी देख पाएंगे एंड कलर भी देख पाएंगे. एंड अगर ब्लैक एंड व्हाइट अगर टीवी है तो उसमें हम लोग जो है पिक्चर रिसेप्शन, अगर वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट सीन देख पाएंगे, अगर कलर आ रहा है तो भी ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देख पाएंगे. हमारे पिक्चर इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज बस कलर के होंगे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के सेट में होंगे. ओके, सो दिस मस्ट बी क्लियर. चलो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वो है कलर परसेप्शन. मतलब कलर कैसे हम लोग फील करते हैं, हम लोग जो कलर देखते हैं वो कैसे सेंस करते हैं, अब कलर के बारे में हमें जानना है. जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कलर को हम लोग जैसे हमने जब एक सीन को जब हमने ट्रांसमिट करते समय ये देखा था कि हम लोग कैसे एक बुक को पढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. हम लोग ट्रेडिशनली जो है वो हिंदी हो इंग्लिश हो, हम लोग जो है लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं. तो ठीक उसी तरह से जो है वो हॉरिजॉन्टल जो डिफ्लेक्शन कॉयल है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये ठीक जैसे हम लोग हमारी आंखें जिस तरह से जो है वो लाइंस को पढ़ती हैं, ठीक उसी तरह से जो है उसी फेनोमेनन को यूज करते हुए हमारा स्कैनिंग होता है एक एक पिक्चर सीन का. ठीक उसी तरह से कलर को कैसे हम हमारी आंखें जो है वो रिसीप्ट करती हैं, कैसे रिसीव करती हैं, कैसे कैसे समझती हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कलर को किस तरह से कलर टीवी में यूज किया गया उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे. तो पहले हम लोग को देखना है. तो लेट्स सी. All objects that we observe are focused sharply by the lens system of the eye on its retina. तो जितने objects हैं वो क्या हो रहे हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी object को हम लोग तभी देख पाते हैं जब जब उस object की उस object पर जो रोशनी पड़ रही है वो रोशनी reflect होके हमारे आँखों के retina पर पड़ती है. तो तब वो retina जो है वो क्या करता है, हमें उस object को देखने में सहायता करता है, हम लोग देख पाते हैं. तो हमारा जो है हमारी आंखें जो है वो लेंस के जैसे काम करती हैं और जो है ये लेंस जो है वो क्या हो रहा है कि एक फोकस फोकस पे जाकर जो मीट करता है एंड दैट दैट फ्रॉम देयर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. तो रेटिना विच इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द आई हैज लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स विच मेजर द वर्थ द विजुअल सेंसेशन. अब हमें जो है क्योंकि हम कलर के बारे में जो है वो हमें पढ़ना है तो हम लोग देख रहे हैं रेटिना में और क्या गुण है. ये क्या है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स है इसके आंखों, हमारी आंखों में लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो कि मेजर करते हैं विजुअल सेंसेशन. विजुअल मतलब जो हम लोग देखते हैं. तो रेटिना इज कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल नर्व विच कंडक्ट द लाइट स्टिमुलस सेंस्ड बाय द ऑर्गन टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ब्रेन. तो रेटिना क्या करता है, रेटिना हमारा कनेक्टेड है ऑप्टिकल नर्व के साथ में और वो क्या करता है, जो लाइट से जो स्टिमुलस मिलता है इट कंडक्ट द लाइट स्टिमुलस सेंस्ड बाय द ऑर्गन. जो हमारा ऑर्गन के द्वारा जो लाइट लाइट स्टिमुलस जो लाइट को उसने सेंस किया है उस सेंस को वो ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंचाता है और ब्रेन इस तरह से जो है कलर को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है. दिस इज कॉल्ड द कलर परसेप्शन. ओके, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स. हमारे पास दो टाइप के लाइट सेंसिटिव ऑर्गन हैं. वो क्या क्या है, दे आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, दे आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स का क्या काम है, रॉड्स आर यूज टू आइडेंटिफाई ब्राइटनेस वेरिएशन. ओके, तो ब्राइटनेस को सेंस करता है रॉड्स एंड कोन जो है वो कलर को सेंस करता है. कोन्स आर यूज टू आइडेंटिफाई कलर इंफॉर्मेशन. The colors are transferred to the optical brains. They are then mixed together to identify the original color. तो cones जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो color information को identify कर रहे हैं और हम लोग जो है वो color को हम लोग sense कर पा रहे हैं. Okay, तो brain color को sense कर पा रहा है. तो हमारे पास में जो है वो दो type के light sensitive organs है, one is rods and one is cone. Rod जो है वो brightness को sense कर रहा है and cone color को sense कर रहा है. कलर्स जो है डिफरेंट कलर्स जो है हमें हमारे पास जो है जो आंखें जो लाइट स्टिमुलस जो है वो भेज रही है नर्व को उसमें डिफरेंट कलर्स मिक्स्ड हो रहे हैं एंड द मिक्स्ड कलर विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल कलर. तो हम लोग एक जो है वो एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ द आई. तो ये
हमारी आंखें जो है वो कितने सेंसिटिव है, किस किस कलर के लिए कैसे। तो ये हमारा कलर कलर्स हैं, देखो कलर लिखा हुआ है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड दिस इज इन द वेव लेंथ एक्चुअली। तो हम लोग जानते हैं कि कलर्स क्या है, वो तो बस फ्रिक्वेंसीज हैं, तो हम लोग इसमें वेव लेंथ में इधर दिखा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में वेव लेंथ है, वाई एक्सिस में रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ आई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी ग्रीन में है, एंड दिस कोन दिस कर्व इज जो है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जो है वो घट जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जितना कि वो दूर जा रहा है फ्रॉम द मिड एक्सिस, दैट इज फ्रॉम ग्रीन। जैसे दूरी हो जा रही है दोनों तरफ से जो है वो मिड, जो यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम से दोनों तरफ या वो लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, अगर एक्सट्रीम राइट में चले जाते हैं तो हम देख रहे हैं इधर जो है वो कर्व जो है वो घटता जा रहा है, ठीक उस तरह से लेफ्ट में चले जाते हैं तो भी जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो राइट में हम लोग जा रहे हैं तो लास्ट में हमें रेड मिल रहा है, और इधर में जा रहे हैं तो हमें हमें वायलेट मिल रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट कलर्स जो कि हमारी आंखें जो है सेंस करती हैं, जो मेरी हमारी आंखें जिससे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, और ये कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी किस में है और कैसे धीरे धीरे जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो घटता जा रहा है। हमारी आंखें जो है किस कलर को ज़्यादा सेंस कर सकती हैं और किस कलर को कम सेंस कर सकती है, या किस वेवलेंथ को जो है वो एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी, कि हमने आज ये सीखा, इस वीडियो में सीखा कि कलर टीवी जो का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है, हम लोग कैसे जो है कलर टीवी एंड मोनोक्रोम जो है टीवी दैट इज रिसीवर को हम लोग कंपैटिबल बना रहे हैं, और हमारी आंखें जो है कलर कैसे जो है वो परसेप्शन कैसे हो रहा है, कलर कैसे कलर को जो है वो सेंस कर पा रही है रॉड्स एंड कोन्स के द्वारा, दैट इज लाइट सेंसिटिव ऑर्गन रॉड एंड कोन्स के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो थ्री कलर थ्योरी देखेंगे कि कैसे प्राइमरी कलर्स क्या क्या हैं, एंड कैसे हम लोग प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बना रहे हैं, और ये किस तरह से जो है वो टीवी रिसीवर में यूज हो रहा है। तो ओके, सो एंजॉय देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।